एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के सिग्रामपुर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सिंगोड़गढ़ किले समेत अन्य स्थानों पर सैर कराई गई, जिन्हें वन संपदा जैसे औषधि पेड़ पौधे कीमती लकड़ी जंगली जानवरों सहित कई रोचक जानकारियाँ भी प्रदान की गईं। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं। कार्यक्रम में केएन कॉलेज दमोह जबेरा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी, DFO महेंद्र सिंह उइके, रेंजर आश्रय उपाध्याय ने छात्र छात्राओं की उपस्थित जनों को वन संरक्षण की शपथ भी दिलाई। एसीएन न्यूज़ के लिए निवेश जैन की रिपोर्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस जगह पे बैठे हैं। यह टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व का यह कोर टू एरिया कहलाएगा, है ना। कोर वन एरिया हमने सरकार ने उसको कहा है, जो नोरादेही का सेंचुरी, जो पुराना नोरादेही सेंचुरी है उसको कोर वन कहा है और इसको कोर टू, और जो इसको बीच का मिलाने वाला वृक्ष उस वन, उसी तरीके से आप ये देखिए जितनी भी हमारी जो नेचुरल साइंस जिसको कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री जितने निकले हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड ही। पहले तो कोई चीज़ होती नहीं थी, किताबें तो थी नहीं, जो भी आदमी ने सीखा, जितनी चीज़ें सीखी वो इन वनों से। आप शक्ल देखिए गाड़ियों की, वो किससे प्रभावित होती हैं, मतलब आप देखेंगे वो जानवरों के किसी ना किसी एक रूप से, चेहरे से दिखती हैं। तो हम लोग एरोप्लेन में चढ़ते हैं या होता है तो वो भी किसी ना किसी से प्रभावित है। तो जो मनुष्य सीख रहा है, चीजें आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ प्रकृति से और उसके अनुभव लेकर ही सीखता है। तो ये एक अच्छा, मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोगों ने सबको अनुभव किया। आप ये देखिए कि अब कोई बता पाएगा इसमें ये टाइगर रिजर्व बनने से इतनी बड़ी बात की। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कहते टाइगर बचाओ, जो घास चरने वाले जानवर बढ़ जाए तो घास ही खत्म हो जाए, फिर भी वो मर जाएंगे, है ना। आपके अगर वो ज्यादा वो घास चरने वाले, मतलब अगर घास चरने वाले जानवर ना रहे तो शेर मर जाएंगे। तो शेर अगर जिंदा है तो एक आपने जैसा बताया एकदम आइडियल केस है कि इसका मतलब चीजें संतुलित हैं, ये एक इंडिकेटर है। तो इसीलिए टाइगर रिजर्व अपने यहाँ बन रहा है और आप आज शायद यहाँ पर आ गए, हो सकता है 5-10 साल बाद फॉरेस्ट वाले साहब आपको अंदर भी ना आने दें, यहाँ पे इतने शेर हो जाए और ऐसा हो जाए, क्योंकि सब कोर एरिया है। तो ये अपनी खुशकिस्मती है कि हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग को कोई ना कोई, जैसे सभी लोगों ने कहा कि अपनी तरफ से प्रयास यही करना चाहिए कैसे इसको प्रकृति को बचाएंगे, क्योंकि जो सीख हम लोग रहे हैं, ये एक बात, जैसे ये तो नेचुरल प्रोसेस का होता है, वैसे ही जितने घना वृक्ष होता है ना, जो इकोसिस्टम होता है वैसे ही उसमें जो ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, है ना, कभी गेहूं खा और चावल खाते हैं, कुछ भी चीज खाते हैं, वैसे ही उनके जीनोम में ऐसी प्रजातियां रहती हैं, कई बार कोई कीड़ा लग गया और वो सारी खत्म हो गई। जैसे अपने कोरोना आया था कितने लोग मर गए थे, वैसे ही कई प्रजातियां ऐसे कीड़ा लग गया है, कोई चीज हो जाती। तो अगर बहुत अच्छा, अगर हमारा भी, हम लोग आगे जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे वो भी मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है, हम लोग जानते नहीं। हमारे वन मंडल में कुल 21 अनुभूति कार्यक्रम होने हैं, 21 शिविर लगने वाले हैं, जिसमें से आज ये पहला था और कॉलेज के बच्चों का था, जिसमें जबेरा और दमोह कॉलेज के बच्चे यहाँ आए हैं। स्पेशली ये महिला अनुभूति शिविर के रूप में हमने ये आयोजित किया कि फीमेल्स, गर्ल्स जो हैं उनके लिए विशेष रूप से यह आयोजित हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि जो गर्ल्स हैं इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेकर के कार्यक्रम में अपना हिस्सा लिया है, और इस तरह कुल 21 हमारे अनुभूति कार्यक्रम होने वाले हैं। आज ये पहला कार्यक्रम था जिसमें हमारे बीच में कलेक्टर साहब, SP साहब और अन्य अतिथिगण उपस्थित थे, आपने देखा ही होगा। और मुझे खुशी है कि सभी बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट से, और जैसे हमने उनसे फीडबैक लिया है, और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे जो है अनुभव प्राप्त किया है, और मैं समझता हूँ कि आगे भी